नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा के गांव लाहौर माचरा में एक नौजवान का तेजधार हथियारों से बेरहमी से किया कत्ल, पुलिस जांच में जुटी। अमृतसर में बाबा कश्मीरा सिंह भूरी वालों की ओर से मैराथन का किया गया आयोजन, विजेताओं को विशेष रूप से किया गया पुरस्कृत। लुधियाना में श्री संकट मोचन हनुमान महोत्सव कमेटी की ओर से 14वीं विशाल रथ यात्रा का किया गया आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, कैबिनेट मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने किया शुभारंभ। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से कत्ल की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा एक ताज़ा मामला सामने आया है नाभा में, जहां गांव लाहौर माचरा के 19 वर्षीय एक नौजवान कमलप्रीत का तेजधार हथियारों से बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मृतक नौजवान ने कुछ दिन बाद ही पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। मृतक नौजवान गत दिवस अपने घर से यह कहकर गया था कि वह अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में जा रहा है, लेकिन गत रात्रि वह घर वापस नहीं आया और सुबह गांव के नज़दीक खून से लथपथ कमलप्रीत की लाश मिली। मृतक अपने परिवार का इकलौता बेटा था, तो वहीं इस घटना के बाद माता पिता का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर के इंचार्ज गुरप्रीत सिंह भिंडर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि कमलप्रीत को किसी के साथ उसकी हाथापाई हुई और उसके कपड़े पूरी तरह से उतारे गए, जिससे कुछ दूरी पर जाकर कमलप्रीत का कत्ल कर दिया गया। मृतक के शरीर पर चोटों के कुछ निशान भी मिले हैं। फिलहाल उन्होंने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। कमलप्रीत से नाम है जी इसका पूरा जी। कल 12 बजे तक घरों गया हुआ है। मैंने कहना पापा मैं नाभे जाना। 12 बजे गया जी। ये असी सरों वढ रहे थे, सरों तो लगे हुए कट्ठी कुठी करते थे। 5 बजे का फोन आ गया मेरे को दोबारे, कहना पापा मैनू ना 200 रुपया पा दो, गुरदपुर साहब की टीप पेंचर हो गई है। मैं 200 रुपया भी पाता जी। उदू मुड़ के ना हल्का जहा मीह पैन लग गया, तो यह मैनू कहता पापा मैं कैदूपुर गया अपने दोस्त को, मैं उत्थे कैदूपुर बर्थडे है मुंडे का भी उत्थे असीं मोटर ते बैठे आ। मैं क्या पुत्र टाइम ना आ जी। चलो 7 बजे मीह पैन लग गया, दुबारे इहदा फोन आया साढ़े को 7:30-8 बजे। असीं आख्या कमल भी हुण ना आई पुत्र, भी मीह बड़ा पैंदा पिया, भी सवेरे आ जी तू। सवेरे ते फिर आई कुछ होया पिया सर। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸੀਅਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਸ ਬੂਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਗੜਾ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, 2-4 ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸੀ ਲਾਓ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤੋ ਸਖਤ ਘਾਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਲੱਸ 2 ਕਰੀ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ 11-12 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਮੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ 8 ਕਿੱਲੇ ਆ ਜੀ, 4-4 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੂਏ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, CIA ਤੋਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਲਾਈਂਡ ਅਜੇ ਕੋਈ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸਤ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ,
ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਡੇ ਬਣੇ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਲੱਭੋ ਕੋਈ? ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਸਪੌਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਅਲੱਗ? ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੇ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਕ ਜੁੱਤਾ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਡੂੰਗੀ ਵੱਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਰਕਾ ਬਾਈਪਾਸ ਆਂਸਲ ਸਿਟੀ ਸੇ ਕੀ ਗਈ। इस संबंध में जानकारी देते हुए बाबा कश्मीरा सिंह भूरी वालों ने कहा कि वे अक्सर ही कार सेवा की कलेक्शन करके शहर से बाहर आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई शहरों में यह देखा कि वहां पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और हर उम्र का व्यक्ति भाग लेता है। इसलिए उनके मन में ख्याल आया कि तन और मन की तंदुरुस्ती के लिए अमृतसर में भी इसका आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मैराथन में तीन प्रकार की दूरियां तय की गई थी, जिसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दूरी शामिल है। उन्होंने कहा कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को लगभग 6 लाख रुपए के इनाम दिए गए हैं। इस मौके पर पूर्वी क्षेत्र से विधायक जीवन ज्योत कौर ने मैराथन दौड़ का आयोजन करवाने पर बाबा कश्मीरा सिंह भूरी वालों का धन्यवाद भी व्यक्त किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर, उत्तरी क्षेत्र से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह भी विशेष रूप से शामिल हुए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मंदिर इस तरह ही आया कि अभी वैसे तो गुरु घर की सेवा का कार्य है, पर जो अभी बाहर बाकी शहर जाने कलैक्शन करने वास्ते तो उत्थे ये चीज़ वेखने वास्ते आई कि शहर एक रेस करवाई जाती जिन्होंने मैराथन रेस बोलते हैं, जिसे बहुत सारे यूथ लोग ने, बुजुर्ग लोग ने, बच्चे लोग ने भाग लेते हैं, हिस्सा बनते हैं। अभी भी ये सोचा कि जिस तरह बाकी शहर फॉरन कंट्रिया एक मैराथन रेस करवाई जाती है, तो पहली बार अमृतसर के ये जरा उपराला किया गया कि मैराथन जी रेस है वह अमृतसर शहर के करवाई जा रही है। पिंडा दे विच नहीं जानी, इहदा रूट ही सानू इस हिसाब दे नाल मिलिया क्योंकि इहदा 21 किलोमीटर का रूट सी, फिर 10 किलोमीटर का सी, ते फिर 5 किलोमीटर रेस सी इहदी, ते फिर उह रेस दे हिसाब नाल ही एक ते बाईपास वेरका चुनिया। इहदे तों बाद फिर सानू ट्रैफिक कंट्रोल करना सी, फिर अहीं इत्थों मूदल पिंड का जिहड़ी रोड सी उहनू यूज़ कर लिया, तां कि अहीं 1 किलोमीटर जिहड़ा सी उह पूरा वे लेना सी, वे लैन वास्ते ही वह रस्ता जिहड़ा वा पकड़िया वा। पिंड जां शहर दा इहदा कोई मतलब नहीं हैगा, ते दौड़न वास्ते सानू जिहदा नूं रस्ता मिलिया, लम्मा ट्रैक मिलिया, अहीं उस चीज़ नूं जिहड़ा वा उह चुण लिया है। इस तरह यह मैराथन अज होएगी जी, और एक मैसेज जाएगा लोगों के, क्योंकि असं देखते हैं कि बहुत सारे जिहड़े साडे नौजवान, चलो अही ज़्यादा मतलब नशे 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 ज़्यादा ना रिपीट करिए, ऐसी कोई गल नहीं हैगी, पर फिर भी यूथ नु जां जिहड़ी साडी नैक्सट अगली जिहड़ी जनरेशन है उन्हों चंगी सेहतमंद चंगे सेहतमंद होने वास्ते एक शरीर रुष्ट पुष्ट रिष्ट पुष्ट रखने वास्ते या एक गेमां का हिस्सा बनने वास्ते खेडां का हिस्सा बनने वास्ते जिहड़े ये मैराथन जिहड़े ईवेंट ने ये दस भी समझदा के जरूरी करवाने चाहिए ने। इहदे नाल बजुर्ग जवान नौजवान ते बच्चे उन्होंने एक उत्साह पैदा हुंदा वा, एक चंगा माइंड पैदा हुंदा वा कि सानू जिहड़ा ये काम आ ये जरूर करना चाहिए वा, जिहदे नाल अहीं भविख दे विच जिहड़ा वा ठीक ठाक रह सकीए, तंदुरुस्त रह सकीए, साडा तन ते जिहड़ा मन आ वो जिहड़ा वा, अगर जे साडी सेहत ठीक है ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਵਾ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਏਗਾ ਮੈਰਾਥਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸ ਕਰਨੀ ਆ 2 ਤੋਂ 2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਸ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 100% ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਦੇਖਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਉਹ ਉਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤੋਂ 2200 ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਏਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਲਿੱਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਮਤਲਬ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਨ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੌੜਨਾ ਔਰ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਣੇ ਤੁਰੀਏ ਭੱਜੀਏ ਨਸੀਏ ਸੈਰ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ श्री संकट मोचन हनुमान महोत्सव कमेटी की ओर से श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान श्री बालाजी की 14वीं विशाल रथ यात्रा श्री रामलीला मैदान दरेसी से बड़ी ही श्रद्धा भाव से प्रधान एवं विधायक अशोक पराशर पप्पी की अगुवाई में निकाली गई। ये रथ यात्रा संत समाज से गुरुदेव आनंदत्री बाबा मीना शाह महंत नारायण दासपुरी की देखरेख में निकाली गई। रथ यात्रा का शुभारंभ दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज कैबिनेट मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर व कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने नारियल तोड़कर किया। इस अवसर पर विधायक गुरप्रीत गोगी मदन लाल बग्गा दलजीत सिंह भोला गरेवाल कुलवंत सिंह सिद्धू व आईजी कौस्तुभ शर्मा पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू डीसी सूरभी मलिक नगर निगम कमिश्नर शेना अग्रवाल एसडीएम स्वाति टिवाणा एडीसीपी रुपिंदर कौर सरा हल्का दाखा से आप इंचार्ज एनएस कंग शमशेर सिंह गुड्डू शाही इमाम उस्मान रहमानी लुधियानवी सहित कई पदाधिकारी मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए।
रथ यात्रा से पहले श्री रामलीला मैदान दरेसी में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मंच संचालन एंकर सुरेंद्र बाबा ने किया। समारोह में अशोक पताका एंड पार्टी द्वारा श्री बालाजी की महिमा का गुणगान किया गया। रथ यात्रा के सारे मार्ग में विभिन्न शॉपकीपर एसोसिएशन द्वारा लंगर लगाकर रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में विशेष रूप से आए हुए कारीगरों द्वारा तैयार की गई झांकियों ने भक्तों का मन मोह लिया। बालाजी के रथ को भक्तों ने नंगे पांव खींचा। श्री संकट मोचन हनुमान महोत्सव कमेटी के प्रधान एवं विधायक अशोक पराशर पप्पी ने आए हुए मुख्य मेहमानों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर तरसेम सिंह भिंडर, शरण पाल सिंह मक्कड़, अमनदीप सिंह मोही, लव द्रविड़, राहत खन्ना, अश्विनी सोहोता, नरेश धीगान, पार्षद राकेश पराशर, विकास पराशर काकू, कमल अद्या, दीपक शर्मा दीपा, सोनू वर्मा, हरप्रीत सिंह आशु, भारत आर्य, अमनीश पराशर, लवदेश पराशर, लक्की, सुमित शर्मा, कपिल सूद, अक्षित तनेजा, विक्रम कुमार, सुरेश पराशर, दिनेश पुरी, संजय अरोड़ा, राकेश जैरत सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। रथ यात्रा से सब हाजिर हुए हैं, आशीर्वाद लेने लिए हाजिर हुए हैं। रथ यात्रा शुरू होने लगी है और यह बहुत बड़ा सहरा पप्पी पराशर जी जाता है, जड़ा कि जो करोना आया सीगा वो कल्ले ही झंडा लैके निकले से, जो कोई घरों बाहर नहीं निकलता उद भी झंडा लैके निकले सके। सो मैं सारा लुधियाना निवासियों पंजाब निवासियों बहुत बहुत बधाई देना हाँ और मैं प्रार्थना करता परमात्मा पासों कि परमात्मा पंजाब से अपनी नज़र सवाली रखी। मैं कहना कि साडा जरा भाईचारा बनया रहे, साडे नज़र ना पंजाब को किसी लगे और पंजाब फासदा फासा रहे। श्री शंकर आचार्य हनुमान महाशा कमेटी अध्यक्ष सभापति राम नवमी की यात्रा जलंधर साढ़े मौजूद के रक्षा शिविर व्यक्ति जनक यात्रा निकल रही है। बहुत बहुत स्वागत और संत नाम करते हुए ऑनलाइन चाइना डोर बेचने वाली मीशो कंपनी पर बठिंडा पुलिस ने अपना शिकंजा कसा है। जी हां, मीशो कंपनी के जरिए चाइना डोर बेची जा रही है। इस मामले में बठिंडा पुलिस ने गत दिनों मीशो कंपनी को परवाना भेजकर जांच में शामिल होने के लिए कहा था। मीशो कंपनी प्लेटफॉर्म पर जिनके द्वारा चाइना डोर बेची जा रही थी वे बठिंडा पहुंचे और अपने बयान दर्ज करवाए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी सिटी वन विश्वजीत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सारे मामले का जायजा लिया। गौरतलब रहे कि मीशो कंपनी और चाइना डोर का जो मामला है डीएसपी सिटी वन विश्वजीत खुद इसे देख रहे हैं। वहीं जब इस संबंध में उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर सरकार द्वारा प्रतिबंधित चाइना डोर बेची जा रही है उनको बुलाकर उनके बयान लिए गए हैं। इसके बाद डीए लीगल को जारी रिपोर्ट भेजी जाएगी जिसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से बनती कार्रवाई की जाएगी। चाहे कंपनी का सीईओ या सीपीओ किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मेरा नाम सतेंद्र कुमार है और मैं वैसे सुपचैना पंजाब का नेशनल एडवाइजर हूं। बठिंडा में चाइना डोर या देश में चाइना डोर बहुत बड़े लेवल पे बेची जा रही थी, लेकिन हमारे पीछे एक समाजसेवी सोनू मैसूरी भी खड़े हैं जो कि चाइना डोर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में रहते हैं। कहीं भी चाइना डोर अगर बेची जाती है तो उसके लिए वो हमेशा कोई ना कोई स्टेप रहते हैं। तो इनसे मैंने थोड़ा सा मतलब सीखा, मैं कहा चाइना डोर वाकई में लोगों के लिए जानलेवा है और ये जानलेवा साबित हो रही है। तो मैंने भी मीशो कंपनी से देखा कि वो फेसबुक पर उस पर ऑर्डर आ रहे हैं और डिलीवरी हो रही है, तो मैंने प्रशासन के ध्यान में ला के चाइना डोर को ऑर्डर किया और उसकी डिलीवरी कोरियर बॉय के जरिए मेरे घर पर हो गई। लेकिन जैसे ही हमारे पास डिलीवरी हमने पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने आके सारी डोर और उसके बिल वगैरह सारे अपने अंडर ले लिए और पुलिस ने उस पर बनती कार्रवाई शुरू कर दी। सीनियर अफसरों के ध्यान में ये पूरा मामला था और आज परवाने भेजे गए उनको। उसके बाद में आज कंपनी के कुछ नुमाइंदे और उनके जो रीसेलर थे वो थाना कोतवाली में पहुंचे हैं दिल्ली और बेंगलोर से, और उनका एक वकील भी साथ में है। लेकिन जब डिप्टी साहब से बात की थी तो उनका कहना था कि हम इसको पूरा मामले को ध्यान में रख रहे हैं, उनका स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद में डीए लीगल को इसकी राय लेके तो जिस पे भी मतलब मीशो कंपनी पे या रिसेलर जिन पे ही बनती कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे पूरी कार्रवाई की जाएगी और सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
लेकिन हम यहाँ पे एक बात और कहना चाहेंगे कि उनके वकील की तरफ से और उनके वकील को और मीसी कंपनी को एक मैसेज है कि वो ये चाहते हैं कि इस मामले को यहीं पे बंद कर दिया जाए, कुछ ले देखे भी बंद कर दिया जाए, लेकिन हमारी तरफ से उनको सख्त चेतावनी है, सोनू मिश्री जी की तरफ से भी सख्त चेतावनी है कि वो इस तरह का टॉपिक ना छेड़ें, वरना एक FIR रिश्वत देने के मामले में और तैयार हो सकती है। जी मेरा नाम सोनू मेहशुरिया जी, नौजवान वेलफेयर सोसाइटी बठिंडा तो, वीर कलोनी निवासी सतेंद्र कुमार जी जो मेरे नाल खड़े है, इन्होंने कुछ टाइम पहला कंप्लेट पाई सी ऑनलाइन मीशो कंपनी के खिलाफ, जिड़ी कि चाइना डोर बेच रही थी, जी प्लास्टिक तो बनी होंगी है, चाइना डोर ऑल ओवर इंडिया के विच इहदी सेल परचेज स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन सारी ये बैन हैगी है, तो गैर कानूनी जिहड़ियां धारावां लगदियां हैगी जो कोई करता है। तो जो ये मामला ऑनलाइन कंपनी का ध्यान दे विच आया तो इन्होंने पुलिस ऑफिसर्स नूं लिखती तौर दे उत्ते एक लिख के कि भी आ कंपनी धंधा कर रही है, तो मैं थोनों इसका एक प्रूफ दूंगा आप खुद खरीद के भी इस तरह का काम जिहड़ा हैगा, लोगों के घर घर गैर कानूनी काम जिहड़ा हैगा ये चाइना डोर पहुँचा रहे हैं, मौत की डोर पहुँचा रहे हैं। इन्हां ने पुलिस नूं लिखती तौर दे देण तो बाद कंपनी नूं एक ऑनलाइन ऑर्डर पाया, ऑनलाइन ऑर्डर दे विच इन्हां दा जिहड़ा कंपनी दे नाल जिहड़े ई कमर्स जिहड़े डीलर जुड़े होंदे हैगे आ उन्हां ने इन्हां दी जिहड़ी ऑर्डर नूं भुगताया, डिलीवरी बॉय इन्हां दे घर डिलीवरी दे के गया चाइना डोर की, तो इन्हां ने वो सारे प्रूफ जिहड़े हैगे आ समेत चाइना डोर थाना कतवाली दे हैंड ओवर करते। थाना कतवाली ने इस मामले नूं गंभीरता दे विच लैंदे होए कंपनी नूं पहला एक परवाना कट्टिया, फिर दूसरा कट्टिया, फिर कुछ टाइम बाद तीसरा कट्टिया, लेकिन अज जिहड़ा हैगा उन्हां परवानियां दे सिर दे उत्ते कंपनी दे जिहड़ा डीलर हैगा जिसने चाइना डोर बेची सी वह अज इत्थे आए हुए है। इत्थे मामला वड्डा होण करके थाना कतवाली दे विच DSP भी आए हुए है, तो DSP जिहड़े हैगे आ उन्होंने कंप्लेनेंट दे बयान नोट कर लिया है, तो हुण जिहड़े कंपनी वाले है उन्होंने बयान जिहड़ा नोट कर रहे क्योंकि मामला बहुत वड्डा हैगा, जे इत्थे साडी जित प्राप्त होंदी है इस चाइना डोर के खिलाफ तां ये ऑल ओवर इंडिया दे विच ही जिहड़ा ऑनलाइन चाइना डोर बेची जा रही है इहदे उत्ते बहुत वड्डी नकेल कसी जाऊगी। कंपनी तो भी आया एक बंदा? जी बिल्कुल, कंपनी तो भी एक बंदा नाल आया हैगा, उन्हां दा वकील है शायद जिहड़ा नाल आया हैगा, कंपनी ने आपदा एडवोकेट भी भेजा हैगा, तो नाल जिहड़ा हैगा एक डीलर जिहड़ा जिसने चाइना डोर बेची सीगी वह भी आए हैगे। हाँ, साढ़े कोल एक चाइना डोर ऑनलाइन विकन का एक मामला जिहड़ा हैगा बसंती रुत्त वेले एक सामने आया सीगा, उस संबंध में साढ़े कोल एक दरखास्त भी आई सी उस संबंधित कंपनी जिन्होंने ये चाइना डोर कि हैगी भेजी हैगी उन्होंने किस कंपनी वालों डोर आई से उन्होंने सानू हुण उन्होंने परवाना भेज के शामिल तफ्तीश शामिल पड़ताल किया गया, तो उन्होंने बयान लिखे जा रहे हैं, तो कि हैगी अगली कार्रवाई कि हैगी उस उपरंत की जा रही कि कंपनी जी दस। देखो मुढ़ दे मीशो कंपनी के थ्रू जरिए यह कि हैगी उन्होंने ऑर्डर किया मंगाया है, लेकिन मीशो कंपनी ने सानू अगर रिकॉर्ड दिता किस कंपनी ने जिहड़ा है प्रोडक्ट उन्होंने जरिए सेल किया है, अज वो कंपनी भी आई हैगी है, असं उन्होंने स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं रिकॉर्ड लै रहे हैं, तो उस तो बाद कि हैगी उचित बनती कार्रवाई की जाओ। दीप सिद्धू के जन्म दिवस के अवसर पर दीप सिद्धू की दोस्त रीना राय सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस दौरान खास बात यह रही कि रीना राय अपने सिर पर केसरी दस्तार सजाकर यहां पहुंची थी। इस दौरान रीना राय ने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में नतमस्तक होकर दीप सिद्धू के जन्म दिवस पर श्री अकाल तख्त साहिब से अरदास की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रीना राय ने कहा कि आज दीप सिद्धू का जन्मदिन है, इसलिए वह श्री अकाल तख्त साहिब में अरदास करने के लिए पहुंची है और गुरु घर के दर्शन करने के लिए आई हैं। उन्होंने कहा कि वे दीप सिद्धू की नौजवानों के प्रति सोच को आगे बढ़ाएंगे और नौजवानों की शिक्षा को लेकर कोई बढ़िया प्रयास करने के लिए आई हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। असी साडा योदा दा अज जन्मदिन आ, साडा दीप सिद्धू, मैं इत्थे आई हां अज दर्शन ले, अज असी यूथ ले असी बहुत वधिया गिफ्ट्स ले आ एजुकेशन विच दीप हमेशा हमेशा उस चीज दे बारे गल करदा सी, फोकस करदा सी टू and to teach our youth, our kids, it's really really important. So ye cheez te main benti kardi ha, sorry mainu it's too much and this is really emotional for me. Aaj deep athe hai ni par assi sare sangat deep le you know we're praying for his soul, the atma le shanti and hun assi agge ja ke aap dastar saja ke aaye ho, ek nava roop tuhanu vi dekhan nu milya dastar sajaiye ki assi pehli vaar shayad haan ji haan ji main guru nu milna aayi ha, to mere guru nu pata andaro pata why I have this uniform on gal kiti gayi si jehda tusi post paiye ki youth de layi khaas kis tarike se aao
हाँ जी हाँ जी, असं उन्होंने बैकपैक्स ला के आए हैं। इन अंदर एक नोटबुक हैगी है, कितने दीप की फोटो भी हैगी है वो उपर, एंड एक कोट भी लिखी है वो, एजुकेशन इज वेरी इंपोर्टेंट। एंड हाँ असं हूँ असं सारे यूथ नू देंगे, असं बाहर देंगे, आई थिंक वो तो फाउंटेन है ना, उधर असं तुसी उत्थे भी जा सकते हैं। यस, यूथ नू है कि तुसी अगे दीप की लेगेसी अगे ला के जाओ, उदी सोच ते ला के जाओ। You know, things going on in Punjab right now. So do you have any plans to revive the Varis Punjab day? Halle nahi, par main turi hu, I'm with Deep. Main Deep le the aayi aaj, and oda organization ha. So we will hamesha Deep te kehdi soch assi unnu agge la ke jaunga. Long term, will we be seeing you be reviving the Varis Punjab day? मैं खड़ी हाँ दीप ले भी अज तो वो सोच से खड़ी हाँ, जब वारिस पंजाब ने अगे लैके जाना सारे नू, लेट्स ऑल कम टुगेदर इन दीप की जी सोच है वो अगे लैके चलिए। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरा गुरु का अंदर केड़ा ओदा प्यार आ, आई केम टू शो हिम दैट आई एम वेलकम एंड आई एम हियर टुडे। इट्स वेरी वेरी इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल है। दीप इतने है नहीं आज, दीप दा प्यार, दीप दी मौत तो बाद अचानक अगले दिन अमेरिका दौड़ जांदा, वो प्यार किथे सी तुहाडा, उस दिन कारण की सी? वो चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस करती, मैं तुहानू भी दसदा की होया उस टाइम, काफी वीडियोस ऑलरेडी तुहानू चाहुंदे है ना कि अमृतसर दा मीडिया सिर्फ एक्सीडेंट सी। हाँ जी, वो तो लास्ट 10 साल हो गए थे, बर्थडे से जयपुर के सैलीब्रेट किया, वी वेंट ऑन अ रियली लॉन्ग ड्राइव, काफ़ी लंबी जर्नी सी साड़ी, वेरी मेमोरेबल आ वो भी, वी गॉट टू। मैडम एक और सवाल है, तुम्हारा विरोध बहुत हो रहा है, मैडम सामने, मैडम तुम्हारा विरोध बहुत हो रहा है, विरोध बहुत हो रहा है, की कहना चाहो, सारे लोग तुम्हारे के रख सवाल कर रहे हैं, वो तो गुरु साहब नु सारा कुछ पता है ना, मैं आज अकाल तक ते आई हां, सच नहीं लोग विरोध करते हैं, इट्स ओके, वो चीज मैं नहीं फकीर करती, आई डोंट माइंड, मैं सिर्फ सच ते खड़ी हां, तो हमेशा खड़ूंगी।